हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके नए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे सोल सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा, लेटेस्ट अपडेट क्या है इसको लेकर, और आज मैं ये भी बात करूँगा कि आखिर सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट किस डेट तक आ सकता है, आपका एक्सपेक्टेड डेट क्या होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो लास्ट वीडियो में, जैसा कि आप सभी को पता होगा, एक वीडियो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था दिल्ली विश्वविद्यालय का सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, मतलब रेगुलर कॉलेज का। तो उस वीडियो को लेकर काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे लगा कि सोल का है। तो मैंने उस वीडियो में कहीं भी सोल का नाम नहीं लिया है, ना ही किसी थंबनेल पे मैंने सोल मेंशन किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय सेकंड सेमेस्टर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, देन उसके बाद NCVAP का सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट भी आ गया है, और अब बारी हुई सोल सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट की। आखिर सोल सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा? ये एग्ज़ाम आपका अगस्त में हुआ था, ऑफलाइन हुआ था। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम से पहले आता है, क्योंकि इनकी जो कॉपी होती है वो हार्ड कॉपी होती है और ऑनलाइन एग्ज़ाम की कॉपी सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट मतलब आपके पूरी चेकिंग आपकी सिस्टम पर होती है, बट ये हार्ड कॉपी पे चेकिंग होती है। तो अगर मैं बात करूँ सोल सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट की, तो आपका रिजल्ट आपको नवंबर, मिड नवंबर तक देखने को मिलेगा पहला रिजल्ट। सोल सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आपको मिड नवंबर तक देखने को मिल सकता है, मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो हमें अपडेट है उसके अकॉर्डिंग ये है कि सोल की भी जो आंसर सीट है मोस्टली 80-90% सीट्स आपकी चेक हो चुकी हैं, जिसमें ऑनर्स का रिजल्ट जो है वो पहले निकाला जाएगा। सबको पता ऑनर्स का पहले आता है, और रेगुलर का रिजल्ट आ गया है, कई कोर्सेज़ के रेगुलर के रिजल्ट आ चुके हैं और रेगुलर के भी और कोर्सेज़ के रिजल्ट आना बाकी है। तो जैसे ही रेगुलर के सारे कोर्सेज़ के रिजल्ट आ जाएंगे, देन रेगुलर का अगर कुछ कोर्सेज़ के रिजल्ट बचते हैं, देन उसके बाद सोल का सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए प्रोसेसिंग का मामला इसमें भी होता है, चाहे ऑनलाइन लो या ऑफलाइन लो, प्रोसेसिंग होनी होनी है। कॉपियाँ चेक होगी, प्रोसेस में जाएगा रिजल्ट, देन उसका डिक्लेयर होगा। तो अब आपको नवंबर, मिड नवंबर तक कहीं ना कहीं आपको वेट करना होगा सेकंड सेमेस्टर सोल के रिजल्ट के लिए, जो हमें लेटेस्ट अपडेट जो कि सोल की तरफ से हमें प्रोवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बता सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ क्या रिजल्ट से पहले आपका एडमिशन पॉसिबल है, मैं कहूँगा यस, ठीक है, पॉसिबल है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होना है। अगर रिजल्ट डिले होता है तो एडमिशन डिले नहीं होगा, एडमिशन तो वो लेकर रहेंगे, बाद में सेकंड सेमेस्टर के लिए अलग से फॉर्म निकाल देंगे जिनकी बैक आएगी, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम है। अगर रिजल्ट ये पहले दे देते, अगर ये कहते हैं कि 10 तारीख तक रिजल्ट हम निकाल देंगे सोल, अगर सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट अगर निकाल देता है, देन 10 तारीख के बाद अगर एडमिशन स्टार्ट होता है तो फिर आपको बेनिफिट मिल जाएगा, आप एक साथ फॉर्म भर पाओगे फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के लिए, अगर आपकी बैक रहती है किसी में। बट अभी तो मैं यही कहूँगा, अभी जो लेटेस्ट अपडेट यही है कि मिड नवंबर तक आपका रिजल्ट आएगा, आपको कुछ रिजल्ट आपको सोल के जो कोर्सेज के देखने को मिलेंगे। फिलहाल आपको वेट ही करना होगा, क्योंकि आप सभी को पता है सोल के अंदर वेट ही करना होता है। ऑफलाइन एग्ज़ाम जब भी सोल में होता है तो उस 2 महीने के बाद ही आपका रिजल्ट आना शुरू होता है मोस्टली। और अगर बात करूँ, कई स्टूडेंट इसको लेकर परेशान होते हैं कि सर मार्किंग कैसी होगी, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम में चेकिंग कैसी होगी, तो मैं आपको बता दूँ जो रेगुलर के जो सर होते हैं वही आपकी सोल की जो टीचर है, जो सोल की जो सीट्स हैं उन्हीं को ही चेक करते हैं। मतलब कि रेगुलर स्टूडेंट की जहाँ सीट्स चेक होती है, आंसर स्किप जहाँ चेक होती है, वहीं सोल की आंसर सीट चेक होती है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग चेक होती हो, ठीक है। तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा सीट्स है, BA प्रोग्राम का रिजल्ट हो सकता है डिले हो जाए, बट ऑनर्स वालों का पहले आ जाएगा सोल सेकेंड सेमेस्टर। तो नवंबर में ही अब आपको देखने को मिलेगा, और जैसे ही रिजल्ट आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे, और इसी के बीच जैसे जैसे अपडेट आता रहेगा रिजल्ट को लेकर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो ये लेटेस्ट अपडेट था जो हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया। फिलहाल रेगुलर का रिजल्ट, कुछ कोर्सेज़ के रेगुलर के रिजल्ट आ गए, NCVAP के एक कोर्स का रिजल्ट आ गया, अभी BA प्रोग्राम का पेंडिंग है, क्योंकि BA प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है, और सोल का अभी तक सेकेंड सेमेस्टर का कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। जैसे आएगा मैं बता दूँगा, मिड नवंबर तक रिजल्ट आने की पूरी पूरी आशंका है, पूरी की पूरी, ठीक है।
तो वेट कर लीजिए, जैसे रिजल्ट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू सो मच।